किसान अन्न के भंडार भरता है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो सारे देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता कहलाता है। उस किसान का कल्याण प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि से ही भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर 10 वर्षों से किसान कल्याण के कामों में लगी है। मुझे कहते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो सबसे पहले फैसला लिया वो किसान के हित में ही लिया, किसान सम्मान निधि जारी करने का उन्होंने फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एनडीए की सरकार इन कामों को और तेजी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करने का, उसके लिए निरंतर काम हो रहा है, उसमें और भी तेजी से हम सब मिलकर काम करेंगे और किसानों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। राजनीति में हम अपने देश की सेवा के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं। किसानों की सेवा, जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। मैं स्वयं, मेरे साथ पूरी टीम, मेरे मंत्रीगण यहाँ पे हैं, एक टीम के रूप में अधिकारियों के साथ मिलकर हम काम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। आज ही मैं संकल्प पत्र अपने अधिकारियों को सौंपने वाला हूँ बैठक में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के कल्याण के कौन से कदम उठाएंगे उसके वचन मोदी की गारंटी दी है, उनको पूरा करने के लिए भी आज से काम प्रारंभ होगा। और हम सब मिलके खेती और किसानों के कल्याण उस काम में अभी से जुटते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। सर, आप मध्य प्रदेश, धन्यवाद।